पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नई ताजपोशी के बाद शहर आगमन पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का भाजपाइयों ने रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त स्वागत किया। ढोल आतिशबाजी के बीच अबीर गुलाल उड़ाकर स्वागत जुलूस को शानदार बनाया गया। रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ मंत्री का स्वागत जुलूस काफिला बुध बाजार पहुंचा ही था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन की सूचना मिलते ही जुलूस रोक दिया गया। शोर शराबा एकांत शांत हो गया। तत्काल मंत्री का पूरा काफिला स्वागत जुलूस रूट से निकलकर पंचायत भवन पहुंचा, जहां जेटली की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा हुई। इसके बाद स्वागत कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। शनिवार को कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी नई जिम्मेदारी के साथ शहर पहुंचे। उनके स्वागत में भाजपाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत जुलूस का इंतजाम किया था। मंत्री के स्टेशन पहुंचते ही नगर विधायक रितेश गुप्ता, विधायक राजेश सुन्नू, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अंजुलोचक संघ तमाम महिलाएं कार्यकर्ता और मंत्री का स्वागत किया गया। मंत्री का स्वागत जुलूस स्टेशन से इंपीरियल सिनेमा बुध बाजार होता हुआ बड़ा ही था कि अचानक सूचना आई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया। इसके बाद एकाएक सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। स्वागत जुलूस रोक कर मंत्री जी काफिले के संग सीधे पंचायत भवन पहुंचे, जहां उनके स्वागत कार्यक्रम के लिए मौजूद साथी और पदाधिकारी आकस्मिक हुई शोक सभा में शामिल हुए। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने के बाद कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। मंत्री के मंत्रल के शपथ ग्रहण के बाद आज मुरादाबाद आने का कार्यक्रम था। मेरा निवास स्थान है, मैं यहीं से भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अभी आदरणीय अरुण जेटली जी के निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको इस दुखद घड़ी में मैं संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकार का नेतृत्व किया है और मैंने भी कई अवसरों पर उनके साथ काम किया। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के प्रभारी रहे, भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा में दल के लंबे समय तक नेता रहे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, भारत सरकार में विधि मंत्री रहे, न्याय मंत्री रहे और पिछली सरकार में मोदी जी के में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य संभाला। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को के विकास में उनका बड़ा योगदान है और हम सब लोगों के लिए भी, मेरे लिए पर्सनल व्यक्तिगत भी उन्होंने बहुत स्नेह दिया है। ऐसी आत्मा, ऐसे महान पुरुष का आज निधन हुआ है तो मैं सबको, उनके परिवार को, उनके मित्रों को इस दुखद घड़ी में सांत्वना प्रकट करता हूं। और लंबे समय तक इस आदरणीय जेटली जी का स्मरण इस देश के कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं में रहेगा, ऐसा मेरा सब लोगों से आग्रह है। मैंने भी लंबे समय तक संगठन का काम किया और लगभग 20 वर्ष से मेरा भी उनसे परिचय है और जब जब विपरीत राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, कभी कभी हम लोगों के राजनीतिक जीवन पर भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, आदरणीय जेटली जी ने हमेशा हम लोगों का सहयोग किया, मजबूती से साथ हम खड़े रहे और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और सरकार, प्रदेश में सरकार है, अधिकांश राज्यों में सरकार है, इसमें आदरणीय अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी इस दुखद मृत्यु पर शोक संवेदना प्रकट करता हूं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने के लिए
निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।